तो आज की हमारी इस क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिक्र कर रहे हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ ट्रिक्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स हम करेंगे, कुछ ट्रिक्स आपको ढूंढना होगा। तो आपके सामने ये मेरा दिख रहा है एक स्कोर। इस स्कोर में मुझे पास और फेल एंड रीटेस्ट तीन ऑप्शन देने हैं, पास, रीटेस्ट एंड फेल। जो ग्रेटर देन 60 है उस पर हमें पास देना है, 40 to 60 पे हमें फेल देना है, और लेस देन 40 पे हमें, सॉरी 40 to 60 पे हमें रीटेस्ट देना है और लेस देन 40 पे हमें फेल देना है। तो बोलेंगे सर ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये तो आपकी इफ फॉर्मूला कंडीशन फॉर्मूले की बात हो जाती है। तो हम इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए विजुलाइज करना चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन्स के अंदर में आप देखेंगे ये ऑप्शंस हैं, राइट का निशान, एक्सप्रेशन मार्क एंड क्रॉस मार्क हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जो राइट का निशान है मैं यहाँ पे काम करता हूँ 3, 2, 1 दे देता हूँ और इस पर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया पास का सिंबल, ये हो गया रीटेस्ट का सिंबल, ये हो गया क्रॉस का सिंबल। अब यहाँ पे आप देख रहे लगा हुआ है तो ये हमारे कंडीशनिंग अकॉर्डिंग नहीं लगा हुआ, ये डिफॉल्ट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो हमें अपने हिसाब से करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे कि मैं बताया था कि एडिट करने के लिए हम मैनेज रूल्स में जाएंगे और मैनेज रूल्स में जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं। सर स्क्रीन बंद हो गया था, एक बार फिर से दिखाएंगे। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आइकन सेट में हम इस आइकन को अप्लाई कर दिया। अब इस आइकन को मुझे अपने इस कंडीशंस के बिहाफ पे डालना है, तो हम इसके लिए इसको सेलेक्ट करके वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में आएंगे और इस पे इस डबल क्लिक करेंगे तो एडिट खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ परसेंट है, मैं यहाँ नंबर कर देता हूँ, यहाँ नंबर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ नंबर में मैं यहाँ पे 60 और यहाँ पे ग्रेटर देन 60 कर देता हूँ और यहाँ पे 40। अब क्या होगा कि 60 से ऊपर जो आएगा इस पर टिक का निशान दिखेगा, 40 और 60 के बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा और लेस देन 40 में यहाँ पे आपको क्रॉस मार्क दिखेगा। ठीक है, ओके सुजीत जी, यहाँ पे ओके कर देते हैं एंड अप्लाई। अब अपने हिसाब से यहाँ देखिए हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ आइकन शो करना चाहता हूँ, ये नंबर नहीं शो करना, तो यहाँ पे भी आप मैनेज रूल में जाएं और इस पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे दिखेगा आपको शो आइकन ओनली एंड अप्लाई। हाँ
हेलो सॉरी सर, मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था। वो गलती से मेरा इन्वर्टर ऑफ हो गया, ऑफ था, मुझे पता नहीं था कि इन्वर्टर ऑफ है। कोई नहीं सर। तो यहाँ आपने देखा कि हमने ये ऑप्शन, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। आपको समझ में आया कि नहीं? चाहिए दोबारा बताऊं इसको? सौभिक जी, समझ आ गया सर। जी और विजित जी, आपको? जी समझ में आ गया। चलिए, तो अब यहाँ इसी ऑप्शंस को हम दोबारा करना चाहते हैं। जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने आपको शो किया था एक चीज, हम बताया था आपको कि किस तरीके से आप स्कोर ये लगा सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार लगा सकते हैं स्कोर पे। डेटा बार तो चलो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार जो सेम कॉलम में आ रहा नहीं आ रहा है, वो सेम कॉलम में ना आके इसके बगल वाले कॉलम पे आए। ठीक है, मैं इस कॉलम में नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसके बगल वाले कॉलम्स पे आए। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कंडीशन कहीं और रखें और फॉर्मेटिंग कोई और रखें। तो फॉर्मेटिंग में बाकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, बट डेटा बार आइकन्स वगैरह में ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं कि इक्वल प्लेस करके हम इसको सिलेक्ट करके मैं इसको लिंक कर देता हूँ। लिंक करने के बाद इस पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके आइकन्स लगाना चाहें या फिर डेटा बार लगाना चाहें, हमने लगा दिया। फिर इसकी मैनेज रूल्स में हम जाते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ हम क्या कर देते हैं, तो आइकन ओनली, देन ओके, देन अप्लाई। तो आपको यहाँ पे आइकन जो फीचर आप चाहते हैं वो फीचर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया? सर एक बार फिर से बताएंगे सर। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह का चीजें चाहिए, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्कोर है वो स्कोर यहाँ साइड में ना लगे, इसके जस्ट बगल में लग जाए, ताकि हम इसको ग्रांट चार्ट की तरह ट्रीट कर सके। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या किया कि सबसे पहले क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक तरीका अपनाया कि हमने इक्वल प्रेस करके इस वाले स्कोर को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ये लिंक हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ भी चेंज होगा। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, अपना डेटा बार अप्लाई कर दिया। फिर मैनेज रूल में गया हमने और इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ हमने कर दिया शो वार ओनली। समझे? सर मतलब अगर 50-60 डेटा है तो समझ आता है, पर 1,000 डेटा में या फिर लाखों डेटा में आप पूरा ट्रैक कैसे करेंगे फॉर्मूला? कॉपी पेस्ट। देखिए देखिए सर, आप समझ नहीं पाए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक कॉलम इंसर्ट, इसमें मैंने कॉलम इंसर्ट किया, इस पे सेलेक्ट किया, डबल क्लिक, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक कर दूँ, नीचे तक चला जाएगा, आ गया सर 310 तक, या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। समझे? बस सेम समझिए कि मैं इसकी सेम डेटा की यहाँ पे कॉपी तैयार कर दे रहा हूँ विथ लिंक। समझे? और इस पे हमने अपनी कंडीशंस को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम मैनेज रूल्स में गए, डबल क्लिक किया और इसको शो आइकन ओनली क्लिक कर दिया। समझ गया इससे क्या सर, होगा, समझ गया। आपका डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसी को लेता हूँ और लेने के बाद मैंने इसमें स्कोर अपना लगा दिया, मान लीजिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरा जो हाईएस्ट है, अब इसका मैं चाहता हूँ अपना कलर चेंज करना, मैं चाहता हूँ जो ऊपर गया हुआ है वो रेड कलर में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ऊपर जो गया हुआ है वो रेड कलर होना चाहिए, नीचे जो है वो, क्योंकि मान लीजिए ये स्कोर नहीं है, ये मान लीजिए एरर्स है, तो जितना ज्यादा एरर्स है उतना ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? तो मैं प्रॉब्लम्स को ग्रीन क्यों करूं, मैं प्रॉब्लम्स को रेड करना चाहूंगा। बात समझ रहे हैं? तो कलर चेंज करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं,
लेकिन इसको आप रिवर्स ऑर्डर कर सकते हो, मतलब जो 87 है उस पर लोअर आएगा और जो सबसे कम है उस पर ग्रेटर आएगा, उस पर ग्रीन आएगा, मतलब ये अपर आएगा। देखिए रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स आइकन ऑर्डर करके मैंने ओके कर दिया एंड इसको अप्लाई करता हूँ। अब देखिए जो हायर है उस पर इसने क्या कर दिया, डाउन एरो कर दिया, और जो लोअर है उसको अप एरो कर दिया। तो ये क्यों करेंगे पता चला आपको विजित जी? हेलो, आप बोलिए ना। आपको पता चला कि फैसिलिटी हम कब करेंगे, क्या बेनिफिट होगा करने से? दी मिस कर गया मैं, आप बताइए ना। मिस कर गया तो बोलना चाहिए रिपीट करने के लिए सर। आपको सुबह समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ आ गया। देखिए जी, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे कि जनरली जब आइकन आप लगाते हैं तो ऐसा दिख रहा है, तो हाईएस्ट है उसमें ए अपर का चांद सिंबल और ग्रीन कलर दिख रहा है ना, तो रेड कलर सैंपल करता है निगेटिव का। बट मान लीजिए कि मेरा स्कोर नहीं है, ये मेरा एरर है, समझे? अब एरर में मैं 87 पे अप का निशान शो करूंगा, ये तो उल्टा हो गया ना सर, क्योंकि एरर जितना कम होंगे उतनी अच्छी बात है। okay. तो मैं चाहता हूं इस कंडीशन को उल्टा करना, कि अगर ज्यादा आता है तो डाउन होना चाहिए, अच्छा, और कम आता है तो अप होना चाहिए। ओके, तो ये ग्रीन मतलब कम वाले में ग्रीन दिखाना, कलर भी चेंज करना जी। तो यहाँ हो जाएगा आपका रिवर्स आइकन, यहाँ दिखा है रिवर्स आइकन ऑर्डर एंड इसको ओके कर। ओके करने के बाद इसको जैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए 87 जो हाईएस्ट था उसमें रेड कलर डाउन आ गया ना। अच्छा डन, समझ गए? अच्छा एक चीज इस पे ये भी होती है ना, जैसे 5 आइकन वाला भी होता है, जैसे ये 3 वाले दिखाए आपने बॉटम मीडियम, 5 वाले भी होते हैं। हाँ, 5 वाले में कैसे जैसे उसको चेंज करना है कंडीशनल हाई दिखा में? सेम वही होगा। देखिए यहाँ पे अभी जो यहाँ देखिए यहाँ पे परसेंटाइल लग जाता है कि 80% से ऊपर में ये दिखेगा, 60-20 में ये दिखेगा, 80-60 में ये दिखेगा, 40-20 में ये दिखेगा। डन है, डन है, इसका भी रिवर्स हो जाएगा। इसका अगर जैसे रिवर्स करेंगे तो यहीं पे दिख जाएगा सर आपको, देखिए। यस यस, दिख गया ना सर? यस यस, समझ में आया। आगे समझ में? हाँ जी हाँ जी। इसका इस्तेमाल आप लोग अब इसमें, अभी इसमें ये भी था, डबल क्लिक करिए इसको, वापस से वापस जाइए, बैक जाइए। अब इसमें सिर्फ आइकन भी चाहिए तो दिखा सकते हैं, ओनली आइकन दिखाइए, आइकन कर देंगे तो ओनली आइकन दिखाइए। हां ओनली आइकन दिखाइए सर। हां बोलिए सर। जैसे इसमें तो 3 कंडीशन दिए थे आपने, पास फेल रीटेस्ट, ठीक है सर? अगर 3 से ज्यादा हो तो भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और हम कर दें कि सस्पेंड। तो यहाँ पे वो उसका 4 आइकन मतलब खोजना होगा ना, क्या आपको 4 आइकन जो आपके लिए सुटेबल कौन सा है? इसमें 3 ही आइकन मतलब सुटेबल है ना। आप कंडीशन जो है आपने आइकन्स के अकॉर्डिंग डालेंगे ना, बात समझते हैं ना सर? इस आइकन को कस्टमाइज, कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, बट आइकन कस्टमाइज नहीं कर सकते। और आपके पास ज्यादा कंडीशन है तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझे? कैसा फॉर्मूला सर? इफ अच्छा इफ फॉर्मूला आगे बताऊंगा आपको, वो बाद में बताएंगे आप। हाँ, ठीक है सर। ज्यादा होगा इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे सर, उसके जरिए इस 2-3 में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जरूरी नहीं है ऐसा इस्तेमाल करो, कोई और इस्तेमाल भी आप भूल सकते हैं, ठीक है? अब अगला जो है मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अगली जो टॉपिक है उसको देखने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पंद्रह मिनट का ये वीडियो है, उस 15 मिनट की वीडियो को देखें और इसके जैसा जो चीज़ मैंने वीडियो में की है ना, ऐसा करने की कोशिश करें।
क्योंकि अगली क्लास इसी पे डिपेंडेंट है। हम बात कर रहे हैं कि इसके कंडीशन प्लॉटिंग में फॉर्मूला वगैरह लगा के किस तरह के फीचर्स की जा सकते। तो मैं आपको एक अटेंडेंस फॉर्मेट का ऑटोमेटिक अटेंडेंस फॉर्मेट बनाने का वीडियो शेयर किया आपके व्हाट्सएप, ठीक है। उसको जो है एक बार आप देखिए, ठीक है सर। ठीक है सर, और कल थोड़ा सा जो है हम क्लास लेंगे जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मूला वगैरह के बारे में। ओके, ओके, बाय।